टेस्टी खाने में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके बच्चों के लिए है। अगर आप आपके बच्चों को कॉम्प्लेन, ब्राउन मीठा और माइलो पिलाते होंगे तो वो पिलाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो लास्ट तक आप देखना। इसमें हम ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं कि आपके बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। जो ये प्रोडक्ट है, जैसे हो गया कॉम्प्लेन हो गया, ब्राउन मीठा हो गया, ये चीजें है ना, ये आप नेट पे जाके सर्च मारोगे ना, उसमें चीनी और चॉकलेट का ही फ्लेवर मिलेगा आपको। इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। हम एक ऐसे ड्रिंक बना के बताएंगे आपको कि इसका मतलब मुकाबला किसी के साथ नहीं हो सकता है। जैसे कॉम्प्लेन हो गया, ब्राउन मीठा हो गया, इसके अलावा ये बहुत हेल्दी होएगा। बच्चों के लिए हो गया, बड़ों के लिए हो गया, बूढ़ों के लिए भी हुआ, सबके लिए ये बहुत हेल्दी चीज है। ये ड्रिंक बनाने के लिए ये सामान लिया है। 200 ग्राम बादाम लिए है, 100 ग्राम काजू है और ये सूखा खजूर है। कोई इसको छुआरा बोलते हैं, कोई खारिक बोलते हैं और ये सूखा खजूर है। ये सबसे पहले ना हम काजू को साफ कर लेते हैं। इस काजू को ना दो पार्ट में करनी है। इसमें ना कीड़ा भी होता है कभी कभी, इसलिए पहले इसको साफ करेंगे अच्छे से। थोड़े से मैंने पहले ही कर लिए हैं, ये दो पार्ट में ऐसे करेंगे इसको। खराब भी होएगा तो हमें पता चल जाएगा। ये जो ड्राई फ्रूट है इसको पीस के हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसका पाउडर हमें एक कंटेनर डिब्बे में हम स्टोर करके रखेंगे, तो ये पाउडर कम से कम 2 महीने आराम से चल जाती है। और ज्यादा क्वांटिटी में आप बनाओगे तो खराब हो सकती है, तो आप इसी क्वांटिटी में बनाना। और इसका जो है कम खर्चे में हो जाता है। ये देखिए 294 रुपए का ये सारा सामान है। ये जो सूखा खजूर है ना, इसको ना हम थोड़ा सा ये करके ना कूट के ना इसका बीज बाहर निकाल देंगे। और इसको गर्मी के दिनों में ना सुखाना नहीं पड़ता है। जब आप सर्दियों के दिनों में इसको बनाओगे तो इसको थोड़ी देर धूप लगा देना, तो अच्छे से जल्दी बारीक पीस जाता है ये। इसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। इसी तरह से हम सारे बीज निकालेंगे सारे खजूर में से। पहले हम ये सूखा खजूर पीसेंगे। ये ज्यादा कड़क होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको पीसने के लिए, इसलिए ज्यादा देर पीसेंगे हम इसको। इसका एक बारीक पेस्ट बनाना है हमको। ये जो पेस्ट है अभी भी मोटा मोटा है,
पेस्ट। ये जो पाउडर है ना थोड़ा मोटा मोटा है, इसको और पीसेंगे ताकि ये पचने के लिए थोड़ा भारी होता है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब पकता नहीं है जल्दी, दूध में जब डालेंगे हम तो पकता नहीं है जल्दी और बच्चे को पचता भी नहीं है, इसलिए बारीक पीसने से ना दूध में जल्दी पक भी जाएगा, बच्चे के लिए पच भी जाएगा, इसलिए हम बारीक पीसेंगे इसको। ये एकदम बारीक पेस्ट बना लिया हमने, इसका पाउडर बना लिया हमने। और ये काजू और ये बादाम है एक ही बार में पीसेंगे इसको, इसका भी एक बार। एक काजू और बादाम का भी एक पाउडर बना दिए, ये मेन पाउडर बना दिए एकदम से। ये जो पाउडर है इसको ना एक एयर टाइट डिब्बे में हम भर के रख देंगे। छोटे बच्चों के लिए एक चम्मच, ज्यादा छोटा बच्चा होगा तो आधा चम्मच डालना है और थोड़ा बड़ा होएगा तो उसको उसके लिए एक ही चम्मच, अभी जो सबसे बड़ा होएगा उसके लिए दो चम्मच, मेरे लिए दो चम्मच। हमारी गुड़िया है ना वो अब 2.5 साल की है, जब वो 2.5-3 महीने की थी तब से हम ये पाउडर उसको बना के पिला रहे हैं। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी पाउडर होती है। अब जब आप कॉम्प्लान ब्राउन मीठा जो बाहर से लाते हैं उसमें चीनी ज्यादा मिली होती है, इस पाउडर में आपको चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है। ये छुआरे की वजह से ना इसमें मिठास मतलब आ जाती है, चीनी मिलाने की इसमें लोड नहीं पड़ती है। ये जो पाउडर है ये बच्चों को पिलाने का प्रोसेस भी हम दिखाएंगे इसमें आपको। ये दूध लिया हुआ है हमने, जब आप बच्चों के लिए बनाओगे तो जब तक ये पाउडर डाल के ना दूध का कलर चेंज नहीं होता है तब तक आपने इसको पकाना है। अब बड़ों के लिए क्या, पाउडर डाल दिया निकाल दिया बच्चों बड़ों को पिला दिया, यही करना है इसके। हम बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, ये गुड़िया के लिए नहीं बना रहे हैं। इसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं आपको। बड़ों के लिए एक उबाल आने के बाद बड़ों को पिला दोगे तो ठीक ही है, मतलब ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है इसमें। ये आप सुबह ना चाय की जगह ये प्रोटीन वाला दूध भी पी लोगे तो ये ठीक रहता है। आपने बच्चों को ना इसको छान के नहीं पिलाना है, ऐसे ही पिलाना है। छान के पिलाओगे तो जो काजू बादाम छुआरा जो मोटा मोटा हल्का सा रह जाता है वो चलनी में रह जाता है तो प्रोटीन बच्चों के पेट में नहीं जाएगा, इसलिए आपको आपने इसको छान के नहीं पिलाना, बिना छाने ही पिलाना है इसको। ये देखिए ये हमारा हो गया एनर्जी ड्रिंक तैयार। इस ड्रिंक में और बाजार वाले ड्रिंक जो मिलते हैं हमें कॉम्प्लान ब्राउन मीठा उसमें कोई मुकाबला है? ये घर में बनता है, आंखों के सामने बनता है, साफ सुथरा बनता है साफ करके। मार्केट की चीजें पता नहीं कैसे मेल मिलाप होता है ये तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम बच्चों को पिलाते जरूर है उसको। तो आप अब इस ड्रिंक को ना घर पे ही बनाओ, घर पे ही पिलाओ बच्चों को। ये हमारा बड़ा बच्चा पी रहा है। ये एनर्जी ड्रिंक हो गया तैयार।
चीनी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी मीठा हो जाता है ये। हम लोग तो बनाते हैं ये, तो आप भी बना के देखो, ट्राई करो, और ज्यादा बेटर है, हेल्दियर ऑप्शन है बच्चों के लिए, तो जरूर ट्राई करो। आप भी पियो, चाय की जगह पे अगर एक बार रिप्लेसमेंट भी इस चीज का कर दोगे तो भी बहुत सही रहेगा। तो फिर अगर ये वीडियो को अच्छा लगा है तो मम्मी के चाहे वीडियो को लाइक करो और चैनल कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। कर दो चैनल।